हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अपने अध्याय नौ त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाय को हमने स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा बताया, अध्याय नौ और अध्याय दस में जितने भी हम त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र उपयोग करने वाले हैं, उन सभी फॉर्मूले को हमने एक ही वीडियो में एक ही पार्ट में अच्छे से समझ लिया है। आज की इस क्लास में सेकेंड पार्ट में हम एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू आप सभी लोगों को कक्षा दसवीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, उस टॉपिक का नाम क्या, अध्याय नौ त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण, यह होने वाला है भाग दो। भाग एक के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट भाग दो पर आया है तो उससे मैं कहना चाहूंगा कि पहले वो भाग एक को देखे। अगर वो भाग एक को नहीं देखा है, जितने भी फॉर्मूले को मैंने बताया हुआ उसको नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल भाग दो उनको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले जाइए आप भाग एक को दिखाइए, फिर आगे आप भाग दो पर चलिए। देखिए, तो एक अंक वाले जितने भी प्रश्न आने वाले हैं ये यहीं से आएंगे, जो मैं टाइप्स आप क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने टाइप्स क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, तो हम सीधा सीधा जाना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका पहला नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए इतना खूबसूरत सा है, कुछ नहीं दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, कक्षा छठवीं का सवाल है, आ जाओ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्या पूछा गया, देखो, निम्न में कौन सी सर्व समीका नहीं है। याद कीजिए बच्चों, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको नौ सर्व समीका के बारे में बताया। कितने, नौ सर्व समीका के बारे में बताया था। तीन तो हमारे मुख्य थे, छह जो मैंने बनाए थे वो तीनों से ही संबंधित थे। ठीक है, तो नौ सर्व समीका में से कौन सा सर्व समीका यहां पर एक्स्ट्रा दे दिया गया, नौ है यहां पर। ये वाला मुझे देखो, यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये तो मैंने बताया था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन, ये मैंने कहीं पर नहीं लिखवाया है, कहीं पर यह मैंने सर्व समीका को नहीं बताया था। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा सर्व समीका है, जो कि इसी से ही आता है। यहां पर हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पक्षांतर कर लिया। जो फोर्थ नंबर है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इसी फॉर्मूले से ही आता है। हमने यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा को हमने कर दिया पक्षांतर। तो पहला, तीसरा और ये चौथा, ये तीनों तो सर्व समीका है, दूसरा नंबर आपका सर्व समीका नहीं है। बिल्कुल सही, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। चलो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या पूछ लिया गया, यदि tan थीटा इज इक्वल टू वन हो तो थीटा का मान बताइए। अब ये प्रश्न जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर में पूछे जाएगा। मैंने जैसे कि आपको बता चुका हूं कि यहां से दो प्रश्न आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव, एक जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है, दो नंबर के लिए आता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है और दो नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो हमें इसके दोनों के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, आता देखो, कुछ भी दम नहीं है, जितने फॉर्मूले मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिए थे उन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम यहां पर इसको बना देंगे। देखो क्या होता है, देखो, तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा हाल, देखो हमें यहां पर दिया क्या है, क्या दिया, चलिए बोलिए, हमें दिया हुआ tan थीटा इज इक्वल टू वन। सर यहां तक की कहानी क्लियर है, दो नंबर के लिए बता रहा, दो नंबर पूछेंगे तो ये पूरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखो, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें मालूम है कि सर tan 45 अंश का मान क्या होता है, सर एक होता है, तो एक की जगह मैंने लिख दिया tan 45 अंश। यहां तक की बात अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो, ये tan और ये tan कैंसिल होता है तो थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 45 डिग्री। क्या मिल गया सर, 45 डिग्री मिल गया, 45 अंश मिल गया। अब देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया, पहले ऑप्शन पर बिल्कुल नहीं जाना है, पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक नंबर के लिए पूछे या फिर दो नंबर के लिए पूछे, हमें इसके अकॉर्डिंग इसका जवाब देना पड़ेगा, पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर अ आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, इतना इजी क्वेश्चन है, ये आपके लेवल का ही नहीं है, इतना छोटा क्वेश्चन है। चलिए चलो हम बढ़ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए, कुछ भी दम नहीं है इसमें। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा, चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पहले करो इग्नोर। और ये पूछा गया था 36 अगस्त 2017 सेट ए पूछा गया था,
ये एक नंबर के लिए पूछा था, लेकिन मैं अगर कहूं ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बारे में तो ये 7 स्टार है। कितना है? 7 स्टार है। 2 नंबर के लिए बिल्कुल इसके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, 7 स्टार लगा के रखना इसको। चलो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कोई भी दम नहीं है। देखो डायरेक्टली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, एक नंबर के लिए, तो हमें एक फॉर्मूला पता है जो मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर ये होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। यहां पर थीटा की जगह अब क्या दिख रहा है? यहां पर थीटा है, तो थीटा की जगह यहां पर 45 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस यहां पर जो दिया गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। कहां से? तो इस सूत्र के माध्यम से 1 आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन जब 2 नंबर के लिए पूछ देंगे तब कैसे करेंगे? मुद्दा यह, देखो अब इसको देखो, 2 नंबर के लिए आ जाएगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बिल्कुल देखो, कुछ भी नहीं है, क्या करना इसमें? सबसे पहले जो दिया उसको उतारो। क्या दिया है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये हमें सर दिया गया। बिल्कुल सर दिया गया। चलो अब क्या करेंगे? देखो यहां पर हमें साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान मालूम होना चाहिए। सर मैंने आपको लिखवाया होता कि साइन 45 अंश का मान क्या होता है? सर ये होता है 1/√2। घात पे 2 है तो यहां का पूरे के घात पे मैंने लगा दिया 2। धन है तो धन चिपका दिया। कॉस 45 अंश का भी मान होता है 1/√2। यहां पर स्क्वायर में था तो यहां पर भाई मैंने स्क्वायर लगा दिया। चलो सर यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर। अब देखो जो घात में 2 है वो 1 का भी है और वर्गमूल 2 का भी है, तो 1 का वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 1। अब बटा यहां पर वर्गमूल 2 का हमें घात में लगाऊंगा 2, तो ये वर्गमूल और ये वर्ग दोनों कट जाते हैं तो हमें यहां पर मिलता है 2। क्या मिलता है सर? 2 मिलता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेम टू सेम यहां पर भी काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। देखो अब यहां पर इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 2 और 2 दोनों में लघुत्तम आ जाएगा 2, फिर ऊपर को हम चिन्ह सहित उतार देंगे, ये हो जाएगा 1 धन 1। तो देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 धन 1 ये हो जाएगा 2/2। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला सर? 1 मिला है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर 2 नंबर के लिए पूछे तो बिल्कुल ये स्टेप आपको फॉलो करके आंसर देना होगा। 1 नंबर के लिए पूछे तो डायरेक्टली आपके जाना है फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर 2 नंबर के लिए पूछे तो ये पूरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, प्रश्न क्रमांक 3 भी हमारे अच्छे से समझ में आ चुकी। चलो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यार हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4, देखो पूछा कब गया है? पूछा गया है 36 अगस्त 2018 सेट ए। इसी प्रकार के क्वेश्चन सेट बी और सेट सी में भी पूछा गया, कुछ भी दम नहीं है, ये आपके लेवल का ही नहीं क्वेश्चन। देख लो क्या पूछ लिया गया है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको 3 मुख्य सर्वसमीकरण लिखवाया हुआ था। क्या? देखो तो यहां पर बात हो रही है कॉस के लिए, तो मैंने आपको लिखवाया हुआ था 1 + cot² θ इज इक्वल टू, क्या होता था? ये होता था cosec² θ। बिल्कुल सर ये फॉर्मूला आपने लिखवाया हुआ था। चलो यहां पर पूछ लिया गया cosec² θ माइनस 1, तो मैं क्या करूंगा? -1 + 1 को इस सर पक्षांतर कर दूंगा। देखो तो कॉट स्क्वायर जो थीटा है वो अपनी जगह पर ही लिखाया है, cosec² θ जो है वो भी अपने जगह पर लिखाया है। जो काम कर रहे हैं वो -1 पर कर रहे हैं, -1 उधर जाकर -1 में बदल गया सर। बिल्कुल तो यहां पर पूछा क्या गया था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है? देख लो क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा है। क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा है। अब ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा सर, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा सही आंसर था। कुछ भी दम नहीं है, ये आपके लेवल का ही नहीं क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमिति से, पता नहीं बच्चे से बनते क्यों नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्रश्न क्रमांक 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखो क्या दिया है। हाँ, वापस से वही कहानी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। भैया मैंने आपको सर्वसमीकरण के बारे में ऑलरेडी बता कर रखा है। देखो यहां पर हमें पता है कि tan और sec में रिलेशन बनता था, tan और sec में रिलेशन बनता था, तो मैंने आपको लिखवाया होता 1 + tan² θ इज इक्वल टू, ये होता है sec² θ। हमें निकालना किसका मान है? sec² θ माइनस 1। तो देखो मैं tan² θ को यहीं पर चिपकाया, इसको एज इट इज लिखा, sec² θ को भी मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, जो मैं चेंज करूंगा वो -1 को चेंज करूंगा, तो -1 को मैं इधर लाऊंगा तो ये बदल जाएगा -1 में। बिल्कुल सर, तो sec² θ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? tan² θ हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर से आपका सही जवाब हो जाएगा। यह पूछा गया था 2019 सेट में। क्या रखा इसमें? नहीं बता रहा क्या रखा है। अगर आपके जितने भी फॉर्मूले मैंने पहले क्लास में बता दिए थे वो पूरे याद है ना, तो 2 में से 2 अंक आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए वो एक पूरे के पूरे फॉर्मूले को ही पूछता है, पूरे फॉर्मूले को ही पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मूला अगर आपका याद है तो बिल्कुल आपको पूरे में पूरे अंक मिलने वाले। आ जाओ देखो,
अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देख लो क्या दम है इसमें, कुछ भी दम नहीं आ जा, बिल्कुल कुछ नहीं रखा इसमें। टेन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री का मान होगा। भैया मैंने बताया हुआ था कि टेन बदल जाता है कॉट में, टेन बदल जाता है किसमें, कॉट में बदल जाता है, तो ये बदल जाएगा कॉट 45 अंश का मान, कॉट 45 अंश का मान। और कॉट 45 अंश का मान हमें अच्छे से पता सर कि ये होता है एक, क्या होता है एक होता है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब एक कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब हो जाएगा। और पूछा कब गया है, 2019 सेट भी क्या रखा है, दो सेकंड में एक नंबर, दो सेकंड लगने वाले, बस देखते ही इसका आंसर बता देना, कुछ भी दम नहीं आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो हमें यहां पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7, देखो थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है। टेन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री का मान होगा, पूछा कब गया है, पिछले साल ही पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2022 सेट सी में। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट ए और सेट बी दोनों में पूछा गया था, कुछ भी दम नहीं आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। देखो देखो तो यहां पर मैंने लिखा हाल, देखो अगर ये क्वेश्चन दो नंबर के लिए आता तो इसको हम कैसे सॉल्व करते। ये दिया गया है हमें टेन 60 डिग्री इंटू, फिर हमें दिया गया है सर कॉट 60 डिग्री दिया गया, बिल्कुल सही हमें दिया गया है। टेन 60 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने आपको टेबल बनाकर बताया हुआ था फॉर्मूला, वो टेबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बिल्कुल देखो सर, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, सर इसको लिखो ये हो जाएगा, सॉरी 1/3 बोल दिया मैं, वर्गमूल 3। क्या होता है टेन 60 डिग्री का मान, क्या होता है सर, ये होता है वर्गमूल 3, बिल्कुल सर आपका सही जवाब होने वाला है। देखो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या होता है सर 1/√3 होता है। अगर क्या दिक्कत है, मैं वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को निपटा दो, भैया ये ऊपर में है और ये नीचे में, दोनों भाग में थे, दोनों को निपटा दिया, फाइनल आंसर मुझे जो मिल गया वो क्या है, एक है। अब देख लो एक ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब हो जाएगा। पूछा कब गया था, 2022 सेट सी में पूछा गया था, बिल्कुल कुछ भी दम नहीं है, दो लाइन का आंसर है, दो सेकंड दो अंक आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन ही दिया नहीं है, ऑप्शन ही नहीं, आप कैसे कहोगे, इसलिए बोलता हूं हमेशा ऑप्शन को करना इग्नोर। अब बिना ऑप्शन वाला आ गया, देखो यहां पर सत्य या फिर असत्य पूछ लिया गया है, सत्य या फिर असत्य हमें जवाब देना, बिल्कुल दे देंगे। देखो तो देखो क्या पूछा गया, यहां पर पूछा क्या गया है कि टेन 30 अंश का मान होगा, टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3, क्या होता है सर, टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ये जो वर्गमूल 3 दिया गया ना, वो टेन 60 अंश का मान होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने बताया था ना, देखो टेन 60 अंश का मान क्या होता है, वर्गमूल 3 होता है, तो यहां पर टेन 30 अंश का मान पूछ लिया गया था, तो टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, न कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 जो होता है वो टेन 60 अंश का मान होता है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। यहां से दो क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर टेन 60 अंश का मान क्या होता है, सर ये होता है वर्गमूल 3, दो प्रश्न मैंने समझा दिया, एक ही में दो प्रश्न मैंने बताया, बिल्कुल। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 9, कुछ भी दम नहीं इसमें भी, देखो आ जाओ। कॉस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ये कॉस 30 अंश का जो मान होता है वो वर्गमूल 3/2 होता है, तो दिया गया कथन क्या है, सत्य है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। टेबल टेबल से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, अगर जितने भी फॉर्मूला आपके याद है तो दो में से दो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, वो पूरा आपके होने वाले, बिल्कुल आ जाओ। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 आपके स्क्रीन पर, देखो क्या दिया गया है, हाँ क्या दिया प्रश्न क्रमांक 10, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कॉट थीटा होता है, बिल्कुल टेन बदलता है किसमें, कॉट में, टेन बदलता है किसमें, कॉट में बदलता है, तो दिया गया कथन पूर्णता सत्य है, पूर्णता क्या है, सत्य है, बिल्कुल कोई शंका की बात नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है, तो साइन बदलता है साइन, कॉस बदलता है, कॉस बदलता है साइन में, और साइन बदल जाता है किसमें, कॉस में बदल जाता है। यहां से एक और क्वेश्चन हम बता सकते हैं, साइन के यहां पर कॉस की जगह चलो मैंने चिपका दिया साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है किसमें, साइन में, तो दिया गया जो कथन है वो पूर्णता क्या है, सत्य है। पूछा कब गया था, पिछले साल ही पूछा गया था 2022 सेट सी में पूछा गया था, बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन आता है, देख लो इतना इजी क्वेश्चन आता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न क्रमांक 12, देखो प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, टेन 90 डिग्री माइनस 34 का मान होता है, तो टेन बदलता है किसमें, टेन बदलता है किसमें सर, कॉट में बदलता है, तो ये हो जाएगा कॉट 34 डिग्री, बस आंसर खत्म, दो सेकेंड ओनली, दो सेकेंड और आपका काम तमाम, ये हो गया कॉट 34 अंश, तो टेन 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 34 डिग्री होता है, टेन बदलता है कॉट में। अब इसी के जगह इस प्रश्न को घुमा देता, देखो क्या कर देता,
टैन की जगह वो लिख देगा कॉट, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन बदल जाएगा किसमें, टैन में, कॉट बदल जाएगा टैन में और टैन बदल जाता है किसमें, कॉट में, तो कॉट बदल गया यहां पर, टैन बदल गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो, दो सेकेंड और दो नंबर, दो सेकेंड और दो नंबर आपके होने वाले। पूछा कब गया है, 2017 सेट सी में पूछा गया है। ये आपके लेवल का ही नहीं भाई, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, हमारे लेवल का पूछो ना। देखो हाँ, ये देखो, अब इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने आपको सबसे शुरू में इसी लाइन को लिखवाया होता पाइथागोरस प्रमेय, कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है बच्चों को कहां पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अब यहां पर हमें समकोण त्रिभुज से संबंधित एक यहां पर परिभाषा दी गई है। देखो, खाली स्थान की पूर्ति कर रहा है, बिल्कुल कर देंगे। आजा देखो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहली ही लाइन में मैंने पहली क्लास में इसको लिखवा दिया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या दम है इसमें, कुछ भी दम नहीं है, आपके लेवल कहीं नहीं है, छोड़ो हटाओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू वन हो तो थीटा का मान होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया था 2022 सेट ए में। ये जो क्वेश्चन है वो एक नंबर के लिए और दो नंबर के लिए, दोनों के लिए पूछा जा सकता है। देखो देखो, तो इसका हम हल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हल, देखो क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू वन दिया गया। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो, इस क्वेश्चन को तो मैं अभी बनाया था क्या, इसी क्वेश्चन को तो बनाया था क्या। देखो, टेन थीटा को मैंने चिपकाया टेन थीटा की जगह। अब हमें पता है कि टेन 45 अंश का मान क्या होता है, ये होता है एक, तो एक की जगह मैंने क्या चिपका दिया सर, टेन 45 अंश चिपका दिया। ये टेन से ये टेन निपट गया तो हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो पूछा क्या गया था, इसी क्वेश्चन को तो पीछे बना के आए हैं भैया, इसी क्वेश्चन को बना के आए हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या मिल चुका, 45 अंश मिल चुका। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, थीटा का मान क्या हो चुका सर, 45 अंश हो चुका। ये दो नंबर के लिए पूछे, एक नंबर के लिए पूछे, जितने नंबर के लिए पूछे बस इतने स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का ये अंतिम प्रश्न होने वाला, प्रश्न क्रमांक 15। बिल्कुल देखो, हाँ क्या बोला गया, कॉस के लिए पूछ लिया गया, कुछ भी दम नहीं है कॉस। देखो ये हो जाएगा कॉस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया, वन दिया गया। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। चलो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब हमें सोचना है कि कॉस कितने डिग्री का मान एक होता है, कॉस कितने डिग्री का मान एक होता है। तो हमें मालूम है उस टेबल से कि कॉस जीरो अंश का जो मान होता है सर वो एक होता है। ये कॉस से ये कॉस निपट गया तो हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू जीरो। देख लो, थीटा का मान क्या आ चुका, जीरो आ चुका। तो एक नंबर के लिए पूछे, दो नंबर के लिए पूछे, जितना नंबर के लिए पूछे उतने के नंबर के लिए आपको जवाब दे देना सर, थीटा इज इक्वल टू क्या मिल चुका, जीरो मिल चुका। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन दिया क्या, बिल्कुल नहीं दिया। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो 15 प्रकार के मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा दिया, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमने पीवाईक्यू इस पर भी बात कर लिया है। इतने ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये 15 क्वेश्चन मान करने चलना है। 15 क्वेश्चन में ही मैंने और कई प्रकार के आपको क्वेश्चन भी बता दिए थे, तो बहुत सारे के मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता दिया। बिल्कुल बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। मैं मिलूंगा त्रिकोणमिति के आपके पार्ट नंबर 3 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।